हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया क्यों गया था। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे फ्रॉड होते थे बिजनेस में। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल से आपको शायद बेटर समझ में आएगा। जैसे कोई ए पार्टी है, ठीक है, ए और बी पार्टी से दो हैं। अब ए ने बी से कहा कि मैं आपसे कोई गुड्स, ठीक है, सपोज वो कोई गुड्स होगा तो वो गुड्स मैं आपसे 5 लाख रुपीज में खरीदूंगा। ठीक है, तो अब बी को क्या करना है, बी को वो गुड्स बनाना है और किसे देना है, ए को देना है, और उसके बदले में ए बी को क्या देगा, ए बी को क्या देगा, 5 लाख रुपीज देगा। क्लियर है। बट अब इसमें क्या होता था, ये सिर्फ मुंह से बोला गया, मतलब सिर्फ ऐसे ही बोला गया है, बट जब इसको रिटर्न किया जाता है, इसमें जब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर लॉ की तरफ से एनफोर्स किया जाता है इसको, तभी ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो ये ऐसे भी है, बट जब इसको लीगल कब कहा जाएगा, जब इसको एक पेपर वर्क, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में जब इसे साइन करके किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते थे, तो बहुत सारे फ्रॉड के अगर अब आपने अब सपोज बी ने ए को गुड्स दे दिया, ठीक है, बट अगर ए ने उसको पैसा नहीं दिया तो इसका क्या रिटर्न प्रूफ रहेगा कि बी ने उसे गुड्स दिए हैं। तो हर चीज़ का एक रिटर्न प्रूफ होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया। अब डिटेल में इसको भी, तो ये एक छोटा सा फॉर एग्जांपल था कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब ये है कि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, चलो अब इसमें आते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था ए, क्लियर है, ए और बी, ये क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होना कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, आप खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। अब क्या होता है, अब जैसे एग्जाम्पल, मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा, अगर आप लोग को थेरोटिकली समझाते जाऊँगी तो को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी चीजों को मैं ए और बी से ही आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, ए कोई है, ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर एक छोटे छोटे वर्डिंग्स के मीनिंग बिजनेस लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन के साथ में उसके मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले ए कोई पर्सन है, उसने क्या किया, ऑफर किया, किसको इसने ऑफर दिया, ए ने ऑफर दिया किसको, बी को ऑफर दिया कि आप कोई गुड्स बनाइए, ठीक है, क्या बनाइए, कोई गुड्स बनाइए, वो गुड्स मैं आपसे कितने में, 5 लाख रुपीज में लूंगा। ठीक है, तो ए ने क्या किया, प्रपोजल दिया, ऑफर दिया किसको, बी को। अब बी जब इसे, अब ये इसके ऊपर है, वो एक तो उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे डिनाई कर देंगे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर उससे क्या करेगा, पीछे हट जाएगा, वो नहीं करेगा। तो जब ए ने ऑफर किया, ठीक है, जब ए ने ऑफर किया और बी ने एक्सेप्ट किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस। क्लियर है। देन अब हम देखते हैं कि अब इसमें ये तो समझ में आया कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस हम और डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, अब इसमें जो दो पार्टी हैं, अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि हर एक चीज़ों के, हर एक वर्ड्स की मीनिंग बिजनेस लॉ में दिए हुए हैं, तो ए को हम क्या बोलेंगे इन बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में, देन हम बी को क्या बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें, इन सब की डिफिनेशन, इन सब का मीनिंग, ठीक है, कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दिया हुआ है। तो ए क्या हो गया हमारा, प्रोमिसर। अब प्रोमिसर और प्रोमिसी ये सेक्शन में दिए हुए, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखो, द पर्सन मेकिंग अ प्रोमिस इज कॉल्ड एज अ प्रोमिसर। जो प्रोमिस बना रहा है, ए ने ऑफर किया, ठीक है, ए ने ऑफर किया बी को कि तुम ये गुड्स बनाओ, बी ने बोला कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे तब मैं तुम्हें क्या
तुम्हें गुड्स दूंगा। अगर बी ऑफर करता तो वो प्रोमिसर हो जाता। समझ में आ रहा है? मैंने कि पहले क्या बोला था, क्लियरली ए ने ऑफर किया किसको, बी को, कि तुम मुझे ये गुड्स बना दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा। तो इसमें ऑफर किसने दिया, ए ने, तो ए क्या हो गया, प्रोमिसर। क्लियर है? देन द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, या फिर इसे ऑफर भी कहते हैं, ठीक है, ऑफर और प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रोमिसी। अब इसने क्या किया, उस जो प्रोमिसर है उसकी जो ऑफर है उसको क्या दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया अपना कि हाँ ये हम करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, बी, बी हमारा हो गया प्रोमिसी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है एक्सेप्टेंस। हर, मैंने जैसे कहा ना आपको, हर एक वर्ड्स की मीनिंग, एक्सेप्टेंस क्या होता है, हर एक वर्ड्स की मीनिंग आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो देन हम आते हैं एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस किसे कहेंगे, एक्सेप्टेंस को दिया गया है सेक्शन 2B। क्लियर है? अब देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent thereto, the proposal is said to be accepted. When a person to whom proposal is made, मतलब when the person to whom, जिसे proposal दिया था वो जो accept करेगा उसे क्या करेंगे, acceptance। जैसे मैंने कहा था कि A ने B को क्या किया है, proposal दिया है। When the person, मतलब जब ये पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसने वो प्रपोजल बनाया है उसे जब अपना वो सिग्निफिकेंस देगा, उस अपने प्रपोजल को, उसके प्रपोजल को जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? देन प्रॉमिस क्या होता है, अब प्रॉमिस, उसने उससे प्रॉमिस किया, तो इस प्रॉमिस वर्ड का भी क्या मीनिंग है, वो हर चीज का, हर एक वर्ड का मीनिंग किसमें दिया है, इसमें दिया है, ठीक है। देन हम आते हैं प्रॉमिस सेक्शन 2B। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, जब इस प्रपोजल को, ए ने जो प्रपोजल दिया था बी को, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, पूरा मिला के वो हो गया हमारा प्रॉमिस। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था ऑफर प्लस, ऑफर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। क्लियर है? देन अब प्रपोजल का मीनिंग क्या होता है, प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं, और वो किस में दिया है, सेक्शन 2A में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर हिज विलिंगनेस टू डू, जब कोई एक व्यक्ति जैसे ए है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर हिज विलिंगनेस, वो अपनी इच्छा बताता है टू डू, कुछ करने के लिए। ये क्या, एक इसको ऑफर क्या दे रहा था, क्या करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, उसको अपनी इच्छा जता रहा था, है ना, तुम ये बनाओ तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज दूंगा, ठीक है। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्यों बोला है, एक तो वो करेगा या फिर नहीं करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया उसने बोला है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे ए है, ए बी को बोलेगा कि तुम वो गुड्स मत बनाना, अगर तुम वो गुड्स नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपीज दूंगा। अब आप सोचोगे कि ए ऐसा बी को क्यों बोलेगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस है, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के तो वो तो उसे ऑफर दे सकता है ना, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। अगर सेम चीज़ें ए भी बनाता है जो बी बनाता है, तो ए तो बी को ऑफर दे सकता है कि तुम ऐसी चीज़ मत करो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तो वही ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ बनाने के लिए ही देगा, वो उसे नहीं करने के लिए भी देगा, वो काम तुम मत करो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। समझ में आया? टू डू कोई चीज करना, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग या रोकना उनको, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द दैट आइदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो उसने क्या किया, दोनों ही कंडीशन में उसने क्या दिया, उसको ऑफर दिया, तो उसे हम क्या करेंगे,
कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे। ठीक है, ये सेक्शंस आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सेक्शंस याद रखना। ठीक है, अब ये वाला ऑफर का प्रपोजल का सेक्शन क्या हो गया 2A, प्रॉमिस का सेक्शन क्या हो गया 2B, एक्सेप्टेंस का भी सेक्शन क्या है 2B ही है। ठीक है, देन प्रोमिसर और प्रोमिसी का सेक्शन क्या हो गया 2C। ठीक है, आज हम इतना ही देखते हैं, कल नेक्स्ट के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। ओके, चल बाय।